हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी में अच्छा हेमंत आज तक किसी से नहीं हारा। तू किस खेत की मूली है बेटा? मैं मूली नहीं, गाजर हूँ, गाजर। अबे वहाँ पहुँच कर तुमसे पहले वो बैग हम पानी में से निकाल लेंगे। अक्षय भगा और तेज, आज तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। घबरा मत अजय, वो लोग हमसे आगे कभी नहीं निकल पाएंगे। चल 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 चल। मानिक तू कुछ ऐसा कर कि इसकी बेईमानी इसे भी भारी पड़ जाए। डंडा किधर है? वो रहा। उठा। यस। ले उधर, ले उधर, ले उधर, ले। और सीधा। बस एक बार उस निशान तक पहुंचाऊं, फिर देखता हूँ इन लोगों को। निशान तक पहले पहुंच तो यार, फिर तो तू कुछ कर सकेगा। तुमसे पहले पहुंच के ना पानी में से वो बैग हम निकालेंगे, देख लेना। बाबू वो तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं। अबे बढ़ा स्पीड, बढ़ा, वो पहुंच गए। स्लो स्लो अक्षय, चल जल्दी चल चल, हम लोग ड्राइव करते हैं। हमें वो बैग उनसे पहले निकालना है। ये बैग, ये ये अजय कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। जल्दी बता अजय कहाँ? अरे मुझे क्या मालूम, होगा पानी में। पानी में कहीं नहीं है वो, तुम लोगों ने जरूर कुछ किया उसके साथ। होश में तो है? मैं होश में हूँ, लेकिन ये मजाक तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, बोल रहा हूँ मैं। अरे मजाक मजाक बनकर चल चल पानी में ढूंढते। हाँ। चल Thank you.
कम ऑन लेके आओ। अजय, ये तो मर गया यार। क्या मर गया? ये तो अजय नहीं है यार। अरे फिर अपना अजय कहाँ है? मैं यहाँ पर हूँ। देखो मुझे बैग मिल गया, मैं जीत गया। भगवान का शुक्र है यार कि तू बच गया। लेकिन फिर ये कौन है? लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। अभिजीत, एक स्कूबा डाइवर पानी के अंदर कैसे मर सकता है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मछली ने पानी के अंदर दम तोड़ दिया। डाइवर पानी के अंदर नहीं मारा है, लगता है इनमें से किसी ने कुछ किया इसके साथ। किसने मारा इसे? हमें क्या पता किसने मारा। क्यों, ये आदमी तुम्हारे साथ नहीं था क्या? नहीं सर, सर ये हमारे साथ नहीं था। उल्टा सर हमें मालूम भी नहीं ये आदमी कौन है। हमें तो इसकी लाश पानी के अंदर मिली। पानी में? कहाँ पे? सर वहाँ पर 25 मीटर दूर। वहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे थे? सर एक्चुअली हम वहाँ पर अजय को ढूंढ रहे थे और वहाँ पर अजय को ढूंढते ढूंढते हम इस लाश से टकरा गए। और इस लाश को जब अजय समझकर हम ऊपर लेकर आए तो देखा ये तो अजय नहीं है सर, ये तो कोई और है। और सर जब ऊपर लाए तो ये तो मरा हुआ था। पानी के अंदर कितनी गहराई की थी ये लाश? सर ये लगभग 50 मीटर गहराई में थी। 50 मीटर? 50 मीटर गहराई में तो ये अपने आप नहीं मर सकता है। या तो ऑक्सीजन खत्म हो जाए सिलेंडर से, या फिर प्रेशर की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद हो सकता है। विवेक, जरा 2 डाइवर्स को बुलाओ और जाके अंदर देखो कुछ मिलता है क्या। ये सर, ये आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे पानी? सर हम लोग तो गेम खेलने आए थे, खजाना ढूंढने का गेम। ये देखिए इस बैग में खजाना है। खजाना? सर अबे कुछ नहीं मिला सर। कुछ भी नहीं? नहीं। एक काम करो, ये बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अब ये डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे इस आदमी की मौत डूबने से हुई है या किसी और वजह से। सालुंके साहब, अगर आप पूरा ना माने तो एक बात पूछूं। देखो अगर मेरा मूड खराब करने वाली बात हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा फिर तुम्हें। मतलब बोलना मना है? इसका मतलब तुम मेरा मूड खराब करके ही रहोगे। हाँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। ओह अच्छा, चल ठीक है पूछ ले। लेकिन हाँ याद रखना, यहाँ पर सिर्फ अकल वाले सवाल पूछे जाते हैं। मतलब मैं बेवकूफ हूँ? ये बात मुझसे मत पूछो। एक काम करो ना, ये बात तुम ये सचिन से पूछ लो। या सचिन से क्यों, तुम एसीपी साहब को फोन कर लो। उस खुसट का नाम बीच में मत निकालो। माय गॉड, एसीपी साहब को गाली दी तुमने? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया। नहीं,
ऐसे ही नहीं। इसका मतलब एसीपी साहब के लिए तुम्हारे मन में जहर भरा हुआ है। अरे क्या बात करो सर, वो तो अंकल अंकल एक मिनट तारिका, जरा एसीपी साहब को फोन लगाओ। जी अभी पता लगता। अरे तारिका तुम क्यों तकलीफ ले रही हो? मैं फोन करता हूँ, मैं बात करूंगा एसीपी साहब से। पता चल गया, इस आदमी की मौत कम से कम 3 से 4 दिन पहले हुई। इस आदमी की मौत कैसे हुई? पानी में डूबने से या फिर किसी और चीज से? नहीं बॉस, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई, इसकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से। दम घुटने से इसकी मौत हुई? इसके चेहरे पर आप ये लाल दाने देख रहे, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मतलब इसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। मगर सालुन के साहब, इसके पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर में क्या ऑक्सीजन कम था? नहीं बॉस, सिलेंडर में तो ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। तो फिर? यही तो ताज्जुब की बात है कि सिलेंडर में अभी भी ऑक्सीजन बाकी है और ये आदमी यहाँ पर मरा पड़ा है। मैं बताता हूँ, देखो मीटर। हाँ सर, इसमें तो ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा ऑक्सीजन है और फिर भी मौत। मतलब इसका किसी ने खून किया है। तब तो सबसे पहले यह पता करना होगा ये आदमी है कौन और रहता कहाँ था। थोड़ा मुश्किल काम है। ये लो, मैच शुरू भी नहीं हुआ और खिलाड़ी बैट छोड़ के भाग रहा है। आपने मुझे कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, मैं आपको कैसे कुछ बोल सकता हूँ, मैं तो अपनी थोड़ी सी तारीफ कर रहा था। फिर ठीक है, मुझे लगा कि आप रेडी। इस स्कूबा डाइविंग कॉस्ट्यूम से पता चल सकता है, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के साथ जो सिलेंडर मिलता है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ये देखो, ये नंबर देख रहे हो, इससे पता चल सकता है ये सिलेंडर किसने किसको दिया था। काजल, ये नंबर नोट कर लो। दुकान जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था। अंदर चल के देखते हैं क्या मिलता है। यस सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ सर? अच्छा ये बताइए कि BH57893 इस नंबर का ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी दुकान से गया बाहर? लेकिन हुआ क्या सर? आप सिर्फ ये बताइए कि गया है कि नहीं। एक मिनट सर, ऐसे तो नंबर मुझे याद नहीं है, मैं कंप्यूटर में चेक करके बताता हूँ। बताइए। हाँ हाँ सर, ये सिलेंडर हमारे यहाँ से गया है। क्या ये था वो आदमी? हाँ मैम, यही आदमी था। तुम इस आदमी को पहचानते हो? हाँ सर, ये तो धर्म साहब है, लेकिन इस फोटो में कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, क्योंकि इनकी मौत हो चुकी है स्कूबा डाइविंग करते वक्त। इनकी लाश हमें पानी में से मिली है। What? पानी में लाश? ऐसा कैसे हो सकता मैम, ये आदमी तो पानी का खिलाड़ी था। क्या, पानी का खिलाड़ी? हाँ मैम, ये आदमी तो डाइविंग चैंपियन है। सर अगर ये चैंपियन था तो इसकी मौत ऐसी नहीं हो सकती, इसे जरूर किसी ने मारा है। अच्छा, इसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? हाँ सर। लीजिए। नहीं तब सर, एक काम करते हैं, इसके परिवार वालों से ही जाके पूछते। कौन है आप लोग? डैडी से मिलना है। मेरा डैडी तो घर पे नहीं है। हमें पता है कि आपकी डैडी घर पे नहीं है। आपको मालूम है डैडी घर पे नहीं है? कहाँ है डैडी? बोले ना सर, कहाँ है वो? बहुत दिन हो गए उन्हें ढूंढते ढूंढते। देखिए, हम लोग सीआईडी से, और आपको यही बताने आए कि आपके डैडी की मौत हो गई। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, मेरे डैडी नहीं मर सकते। मारा मेरे डैडी को? देखो, हम लोग भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डैडी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? मेरे डैडी तो बहुत अच्छे थे। तुम्हारे डैडी जब घर से गए थे तो कुछ बता के गए थे कि किससे मिलने जा रहे हैं? डैडी ने कहा कोई चमत्कार होने वाला है। चमत्कार होने वाला? कैसा चमत्कार? डैडी ने ये बताया नहीं,
कहीं उसी चमत्कार की वजह से तो उसके डैडी की मौत नहीं। अच्छा तुम्हारे डैडी सुबह कितने बजे निकलते थे घर से? 7 बजे। 7 बजे सुबह? इतनी सुबह कहाँ जाते थे वो? स्कूबा डाइविंग सिखाने। उस दिन भी कहीं वो स्कूबा डाइविंग सिखाने तो नहीं गए? वहाँ मेरे जीजा जी भी होते हैं, डैडी आते तो वो जरूर बताते मुझे। तुम्हारे जीजा जी भी वही काम करते हैं, स्कूबा डाइविंग सिखाने का? मेरे डैडी की कंपनी में पार्टनर है वो। अच्छा ये जीजा जी का नंबर चाहिए हमें, और तुम्हारे डैडी जिन जिन लोगों को स्कूबा डाइविंग सिखाते थे उनकी एक लिस्ट भी। जी कहिए, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आप सब लोग धर्म जी से स्कूबा डाइविंग सीख रहे थे ना? जी सर। वैसे धर्म जी के दामाद दिखाई नहीं दे रहे, वो भी आप सबको स्कूबा डाइविंग सिखा रहे हैं? हाँ सर। वो है कहाँ? वो भी 5 दिन से गायब है। क्या जी? और ये सिमरन भूषण जी की पत्नी और धर्म जी की बेटी। अच्छा सिमरन जी, आपको तो पता होगा ना कहाँ पे है आपके पति? नहीं सर, मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद परेशान हूँ। सर, उन्होंने 17 जुलाई को मुझे फोन किया था और कहा था कि आज घर नहीं आऊंगा, पर उसके बाद वो आज तक आए ही नहीं। पता नहीं मेरे पति कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। देखिए वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। वैसे 17 जुलाई को आपके डैडी की मौत हुई है ना? जी। और आपके पति भी 17 जुलाई से गायब है? जी मैम। अच्छा आप सब लोग आए थे उस दिन ट्रेनिंग लेने? हाँ सर। भूषण भी थे यहाँ पे? हाँ सर। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था धर्म जी और भूषण के आपस में? सर कुछ बहस तो हुई थी उनके बीच। किस बात को लेके? ये तो पता नहीं सर, मगर मामला कुछ सीरियस था सर। दोनों के बीच बहस हुई थी और मामला सीरियस भी था। आप हमें भूषण का फोटोग्राफ दीजिए। जी। हेलो डॉक्टर सालुंके जी, ठीक है सर हम लोग आते हैं। सालुंके साहब, कुछ गड़बड़ है क्या एक्सरे में? दो दो डॉक्टर मिलके ध्यान से देख रहे हैं। वैसे तो आप सब कुछ बता ही चुके हैं, कुछ और पता लगा क्या? इस आदमी के मरने की असली वजह हमें पता चल गई है सचिन। आप ही ने तो बताया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से धर्म की मौत हुई। यह आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरा, इस आदमी की मौत हुई है साइनाइड की वजह से। क्या साइनाइड से? मतलब यह आदमी जहर से मरा है? जी हाँ। तो फिर सर ये बात पहले क्यों नहीं पता चली आप लोगों को, इतनी देर से क्यों? अरे यार हर चीज में वक्त लगता है। बस इस आदमी को साइनाइड बहुत थोड़ी मात्रा में दिया गया, उस साइनाइड की वजह से यह सिर्फ बेहोश हुआ और बाद में बेहोशी की हालत में इसकी मौत हुई पानी में दम घुटने की वजह से। ये जहर उसके फेफड़ों में गया कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट। मैंने ये सिलेंडर और ये माउथपीस दोनों चेक किए, इस माउथपीस में साइनाइड है। और एक बात, इस आदमी की मौत पानी में करीब 400 फीट नीचे हुई। 400 फीट नीचे? मतलब पानी की गहराई में? ये बीच देख रहे हो, ये हमें इस आदमी की लाश पर से मिले। मतलब सबूत ढूंढने के लिए हमें पानी की गहराई में जाना पड़ेगा। अभिजीत, ऐसे पता लगाना कि कहां पे लाश है और कहां पे नहीं जरा मुश्किल लग रहा है। ये जो मैप देख रहे हो ना, ये मैंने ओशियोनोग्राफी डिपार्टमेंट से मंगवाया है। ये जो कल हमें धर्म की लाश मिली थी वो यहाँ इस जगह पे मिली थी। उस वक्त पानी में यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी, इसलिए पानी का बहाव उस तरफ से इस तरफ था। मतलब लाश कहीं और थी और वहाँ से बह के यहाँ पे आ गई। हाँ, वो दूसरी लाश भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। आ गया। तो पानी का बहाव यहाँ से था तो यहाँ इस एरिया में चेक करते हैं। सुनो जरा 50 मीटर दूर लेफ्ट में ले चलो। वेट, तुम यहीं पे रुकना और हमारे सिग्नल का इंतजार करना। इस मॉनिटर पे ध्यान रखना, देखना कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। ये मॉनिटर में दिख रहा है? साफ है? ओके। यहाँ यही जगह है, रुकना जरा यहीं पे रुको।
और ये क्या हो रहा है लोगों के साथ? कहीं कोई परेशानी नहीं करनी? बोलो सरफ लग My God, Lash. सर ये तो भूषण है, सिमरन का पति। ये भी दो दिन से गायब था और सिमरन ने इसी की फोटो दी थी। ससुर और दामाद दोनों एक ही जगह पानी में मरे, मगर ये दोनों तो आपस में बहुत झगड़ा करते थे। बॉस ये लालच बहुत बुरी चीज है, लगता है इस खजाने के चक्कर में इन दोनों की जान गई है। मगर खजाना तो दोनों में से किसी को नहीं मिला। अभिजीत फिर से चल के वहीं ढूंढते हैं जहाँ पे हमें लाश मिली थी, शायद कोई सुराग मिल जाए हमें उस खूनी के बारे में। ओके विवेक, लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दो डॉक्टर सारुंके के पास। सारुंके साहब, इसकी भी मौत वैसे ही हुई है जैसे धर्म की हुई? सचिन, इस आदमी के फेफड़ों में से जो पानी निकला है उसे डॉक्टर सोनाली चेक कर रही है, ये बताइए। सोनाली, सचिन इस आदमी की भी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे धर्म की हुई, इसके फेफड़ों में भी हमें साइनाइड मिला है। इसका मतलब ससुर और दामाद दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। मगर इन दोनों का खून किया किसने होगा? जाहिर सी बात है, ये जो कोई भी है इन दोनों का ही दुश्मन है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इनकी मौत की खबर किसी और को लगे, इसलिए खूनी ने उसकी लाश को बांध के पानी के अंदर डाल दिया। क्या हुआ? सर, इसकी मुट्ठी में कुछ है। मुट्ठी में कुछ है? हाँ, देखिए। एक मिनट। ये क्या है? ये तो चमड़ी जैसा कुछ लग रहा है। क्यों, उस हाथ में क्या है? इसमें देखें। एक मिनट, ये क्या है? ये तो कोई सोने का सिक्का है, काफी पुराना है। सर सिक्का तो बहुत पुराना है, लेकिन इतना पुराना सिक्का इसके हाथ में आया कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पानी में कुछ हो? You're right, सचिन,
मुझे लगता है पानी के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है, उसी को ढूंढ रहे होंगे दोनों, और उसी खजाने का होगा ये सिक्का जो इनके हाथ में आ गया। लगता है इन सिक्कों की लालच की वजह से इन ससुर और दामाद का खून किया गया है। You're right. हो सकता है इसके अलावा कोई और भी है जो इस खजाने के पीछे है। पता लगाना होगा कि वो है कौन, हो सकता है वही खूनी हो। इसमें क्या कर रही है? भाई साहब। बोलिए साहब, क्या सेवा कर सकता हूं? ये देखिए, काफी पुराना सिक्का है ये, करीब 300 साल से ज्यादा पुराना होगा। कहां से मिला? देखिए, हम लोग सीआईडी से, और ये सिक्का हमें एक मरे हुए आदमी के पास से मिला है। सिक्का तो अच्छा है, मगर मैं चेक करके बताता हूं। सिक्का नकली है। क्या ये सिक्का नकली है? जी नकली है। इस पे सोने के जैसा रंग लगा हुआ है, लेकिन सोना नहीं, किसी पहुंचे हुए आदमी का ये काम लगता है। अगर आपको पता चलता है कि ये सिक्के कौन बनाता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। फिर तो ये काम धर्म के क्लाइंट उल्लास का ही हो सकता है, वही सोने का काम करता है। इस उल्लास से ही पूछते हैं, चलो। हाँ, मैं धर्म सर से ट्रेनिंग लेता था, मगर मैं क्यों खून करूंगा उनका? अगर उनका खून तुमने नहीं किया तो फिर किया किसने खून? मुझे क्या मालूम, ये आप लोग का काम है पता लगाना खून किसने किया है। देखो, सीधी तरह से तुम रास्ते पे आ जाओ। ये सोने के रंग लगा सिक्का हमें धर्म की लाश के पास से मिला। इस सिक्के से मेरा क्या लेना देना है? ओ, तुम्हारा क्या लेना देना है? इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई, जो कि सिर्फ एक ज्वेलर कर सकता है। शहर में और भी ज्वेलर्स हैं, मुझे को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? तो तुम्हारा कहना है कि इस सिक्के के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो? बिल्कुल नहीं। तुम यही काम करते हो ना? जी हाँ। अभी पता चल जाएगा कि इस सिक्के के बारे में तुम जानते हो या नहीं।
आईडी से बोला हुआ झूठ मक्खन की तरह होता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पिघलता जाता है और फिर उंगलियां चिपचिपाने लगती है, चिपचिपाने। क्यों आ गई ना सच्चाई सामने? हाँ सर, मैंने ही बनाए थे सिक्के। किसके लिए बनाए थे वो सिक्के तुमने? सर एक लड़का आया था मेरे पास, उसने कहा कि इस तरह के 100 सिक्के बना दो। 100 सिक्के वो भी पानी में फेंकने के लिए? पता नहीं साहब कहाँ फेंका। क्या नाम क्या उसका, कौन था वो? नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तुझे? 100 सिक्के बनवाए थे उससे और उसका नाम तक नहीं मालूम? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुझे, हम खुद पता लगा लेंगे। सचिन ये जो अंगूठी है बॉस, ये अंगूठी ज्यादा टाइम तक पानी में नहीं रही और इस अंगूठी पर थोड़ी सी आदमी की खाल भी चिपकी हुई थी। आदमी की खाल? आदमी की खाल मतलब ये अंगूठी भूषण की है? नहीं भेड़ी, ये अंगूठी तो किसी और ही की है। भूषण की बंद मुट्ठी से जो खाल मिली थी वो? भूषण की मुट्ठी में जो खाल थी और जो इस अंगूठी पर खाल लगी हुई थी, उन दोनों का डीएनए मैच करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है काजल, भूषण के साथ उस खूनी की हाथापाई हुई और उसी हाथापाई के दौरान उस खूनी की अंगूठी थोड़ी सी खाल के साथ साथ भूषण की मुट्ठी में आ गई और उसकी दूसरी मुट्ठी में हाथापाई के दौरान ही थोड़ी सी खाल भी चिपक गई। चलो भाई काम हो गया, अब इस अंगूठी के जरिए हम लोग खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ एक काम करते हैं, धर्म के ऑफिस और उसके परिवार वालों की उंगलियां चेक करते हैं, किसी ना किसी की उंगली में तो चोट लगी होगी। आप लोग बिना मतलब का परेशान कर रहे हो ऑफिसर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप हम ही लोग पे शक कर रहे हो। आप लोगों पे शक सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग धर्म की और भूषण के बहुत नजदीक के लोग, खून किसी आसपास वाले ने किया। किसने मारा मेरे पति को आपको पता है? आप लोग अपने अपने हाथ आगे खींचे। तुम सब ने पट्टी क्यों बांध रखी? सर ये चोट लग गई सर। और तुम दोनों को भी चोट ही लगी थी? जी सर। ठीक है अपनी पट्टियां हटाई, हमें चेक करना। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती, मुझे बहुत दर्द होगा और वैसे भी मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने कह दिया और हमने मान लिया, तुम्हें अंगूठी पहननी पड़ेगी। एक मिनट, ये अंगूठी तो उसकी है। किसकी है? सर ये रवि की है। ये रवि कौन है? हमारी फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड? ये रवि कहाँ है अभी? सर अपने घर पे ही होगा। चलो कोई बात नहीं, उसे घर पे ही मिलते हैं। ये घर रवि का ही है ना? हाँ लेकिन आप कौन? देखिए हम लोग सीआईडी से, ये बताइए कि रवि है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है। वैसे आप कौन? मैं उसकी माँ हूँ। कुछ बता के तो गया होगा ना आपको कि कहाँ गया है वो? नहीं कुछ बता कर नहीं गया, गाड़ी में बैठा और चला गया। गाड़ी का नंबर क्या है? XZX338Y। हेलो कंट्रोल रूम, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ, एक नंबर नोट कर XZX338Y और ये पता लगाओ कि ये गाड़ी इस वक्त है कहाँ पर। जल्दी। थैंक्स मैडम, आपके बेटे रवि के कमरे की तलाशी लेनी है। हाँ ले लीजिए, ये रहा उसका कमरा, दिखाइए प्लीज। हाँ, आई
ये तो सिमरन की फोटोग्राफ है। हाँ, मेरा बेटा रवि सिमरन से बहुत प्यार करता था। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन सिमरन के लालची बाप ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह पे करा दी, किसी भूषण नाम के लड़के से। सिमरन ने शादी से इनकार नहीं किया? नहीं, वो दूसरी जगह शादी करने के लिए खुशी खुशी तैयार होगी। मेरा ही बेटा मन मार कर बैठ गया। आपका बेटा मन मार के नहीं बैठ गया, बल्कि आपका बेटा अब लोगों को मारने लगा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। देखिए मैडम, आपके बेटे रवि ने सिमरन के डैडी और उसके पति भूषण का खून कर दिया है। क्या? जी हाँ। कमल, सिमरन का फोन तो लग रहा है, लेकिन सिमरन फोन नहीं उठा रही है। ट्राई करता हूँ। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हेलो हेलो सिमरन, हेलो, ओह माय गॉड, सिमरन की जान खतरे में। वो मदद मांग रही थी फोन पे, हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो मुझे, प्लीज समवन हेल्प मी, प्लीज बचाओ। रवि स्टॉप इट, स्टॉप इट रवि, प्लीज डोंट डू दिस, बचाओ, हेल्प, हेल्प, हेल्प। नहीं रवि छोड़ दो मुझे, प्लीज रवि डोंट डू दिस, स्टॉप इट रवि, प्लीज रवि छोड़ दो मुझे, मत करो ऐसा रवि, प्लीज मत करो। हाँ सचिन, कहाँ रवि की गाड़ी? चंगारू जी, ठीक है हम लोग पहुँचते हैं। चंगारू झील की तरफ ले लो, सिमरन की जान को खतरा है। रवि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो रवि। सिमरन एक बार जो मौत के मुंह में जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कोई भगवान नजर नहीं आ रहा। हे भगवान, कोई है? हे भगवान, कोई नहीं है। रवि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरे डैड को, अरे मुझे। क्या बिगाड़ा है? ये तुम पूछ रही हो? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? हाँ, नहीं मालूम तुम्हें? नहीं मालूम? मैं वाकई में नहीं चाहती मैंने क्या किया। तुम तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे थे, मेरे अच्छे दोस्त थे ना रवि। दोस्त मत कहना मुझे, मत कहना मुझे, दोस्त के नाम पे नफरत है मुझे, नफरत। क्यों नफरत है तुम्हें दोस्ती से? तुम्हें नहीं मालूम मैं जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता था, करता हूँ। प्यार? हाँ रवि, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया सिमरन, कई बार बताया, लेकिन तुम पैसों के नशे में इतनी अंधी हो रही थी कि। और तुम्हारा डैड, वो तुमसे भी बड़ा लालची, उसने पैसे की लालच में तुम्हारी शादी भूषण से तय कर दी, लेकिन अब तो वो ऊपर गया और अब तुम्हें भी उसके ऊपर जाना है। प्लीज रवि, प्लीज। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास मत आना, मैं फेंक दूंगा इसको, धक्का दे दूंगा इसको मैं। Thank you.
मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर कि मैं सच में बच गई। जिसे दोस्त समझा था उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। दोस्ती करो लेकिन ऐसे लोगों से नहीं जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निकालते हैं। दो दो खून किए तुमने, अब जिंदगी भर जेल में बैठ के आशिकी करते रहना, अगर फांसी नहीं हुई तो। सर, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।